सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, जो आज आपका पेपर हुआ है गणित का 28 सितंबर को, उसको हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए चलेंगे किस प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में आया था, उत्तर आप लोग मिलाते हुए चलिएगा। तो देखिए, यहाँ बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है 2025 का वर्गमूल कितना होगा। तो 2025 का वर्गमूल होता है दोस्तों 45। आप इसको कितना लिख सकते हो, 45 गुणे 45 भी लिख सकते हो, या कर्णी में आप इसको 45 का वर्ग लिख सकते हो, कर्णी हट जाएगा। तो उत्तर हमें कितना मिल जाएगा, 45। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है 45, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न दिया गया है √2 + 1/√2 का मान है। तो यहाँ पे √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर का मान है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको लगाना है, a² + b² + 2ab, ये आप लिख सकते हो। a की जगह कितना है √2, यानी कि √2² + 1/√2² + 2 × √2 × 1/√2। ठीक, तो अब देखिए √2 √2 यहाँ पे कट जाएंगे, a × b में। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, √2² + 1/√2² यानी कि 1/√2² कितना हो जाएगा, 1/2, फिर प्लस 2, ये कितना आ जाएगा, 4 / 1/2, यानी कि हर बराबर आप करोगे तो 8 / 1/2 या फिर 9/2, या फिर इसे सही के रूप में आप लिखोगे तो 4 / 1/2, यह उत्तर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 / 1/2। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 है, एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 है, तो उस घटना की प्रायिकता होगी। अब एक घटना आपको दिया गया है, उसका प्रतिकूल संयोगानुपात दिया गया है, मतलब कि उस घटना के ना होने की संभावना का अनुपात आपको दिया गया है। तो जब प्रतिकूल आपको दिया गया है, प्रतिकूल अनुपात आपको दिया गया है 2:3, तो अनुकूल भी तो आप निकाल सकते हो, अनुकूल भी आप निकाल लोगे। अनुकूल कितना हो जाएगा दोस्तों, उस घटना का अनुकूल संयोगानुपात कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। और उस घटना के होने की प्रायिकता अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 3/2 में हो जाएगा इन दोनों का योग, 3/2, यानी कि 3/5 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन चौथा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 बिल्कुल कराए हुए प्रश्न है दोस्तों। देखिए 3, 14, 10, 12, 12, 12 कितने बार आ रहा है, 3 बार, और बाकी 13 2 बार आ रहा है, और संख्याएं 1 बार आ रही है, 10 2 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बार यहाँ पे क्या आ रहा है, 12, तो 12 बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए sin 2a = 2 sin 1 तब सत्य है जबकि बराबर है, यहाँ पे a का मान आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे आपको sin 2a की वैल्यू भी नहीं याद होती तब भी आप निकाल सकते थे, बस आपको यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू है वह पुट करके देख लेना था कि कब यह दोनों सही होंगे। तो 0° जब आप पुट करोगे तो दोनों तरफ को जो मान होगा वह 0 आएगा, तो 0° a का जो मान 0° है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में। तो अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में देखिए प्रश्न संख्या 6 है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल कराया हुआ प्रश्न है, डिट्टो यही वैल्यूज के साथ कराया हुआ प्रश्न है। वृत्त का एरिया कितना दिया गया है, πr² की वैल्यू आपको दिया गया है 154, तो 154 बराबर πr², पाई कितना हो गया 22/7 × r². अब r की वैल्यू आप निकाल लीजिए, r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 154 में 7 का गुणा हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा। ठीक, अब 11 से काट लीजिए, 11 × 2 = 22 और 11 × 1 = 11 और 11 × 4 = 44। ठीक, फिर 2 से काट दीजिए तो 7 आ जाएगा, यानी r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 7 या 7² लिख सकते हैं या r = 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ हमें व्यास बताना था, तो व्यास क्या हो जाएगा, वह 2r हो जाएगा, यानी कि 2 × 7
यानी कि 14। ठीक, तो व्यास 14 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते थे। अब प्रश्न संख्या 7 है 243 और इसके पावर में है 3/5। 243 के घात में है 3/5 और इसको आपको बोला है सरल करने के लिए। तो देखिए 243 के घात में कितना दिया गया है, 3/5 दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं इसको सरल करने के लिए। पहले तो जो संख्या आपको ब्रैकेट में दी गई है इसे आप घात के रूप में लिख लीजिए, ताकि जो घातांक का नियम आपने पढ़ा है, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी संख्या के घात में घात है तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, वहां से यह सरल हो जाएगा। तो 243 से 243 के गुणनखंड दोस्तों आप ज्ञात कर लीजिए। तो 243 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 8 24 और 1 81 हो जाएगा ये, और 3 6 3 2 6 तो 2 3 7 21। फिर 3 से काटिए, 3 से कटेगा तो 3 9 27। फिर 3 से काटिए तो 3। फिर 3 से काटेंगे तो 1। ठीक है, तो अब देखिए 243 को क्या लिख सकते हैं, 243 को 5 बार 3 के गुणे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 3 के घाते 5 लिख सकते हैं 243 को, और पावर में है 3/5। अब घातांक के नियम में मैंने आपको बताया था किसी संख्या के घात पे अगर घात हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, घातों का गुणा कर सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं आप 5 गुणे 3/5। अब देखिए दोनों 5 आपस में कट जाएंगे, 1 बटे में है 1 गुणे में है, तो ये हो जाएगा 3 के घाते 3, यानी 3 का 3 बार गुणा, तो 3 3 9 9 3 27। तो 27 आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वह 27 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है x² - 14x + 49। अब यह एक्स स्क्वायर आपको दिख ही रहा है, 49 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, और बीच में -2ab भी आपको दिख रहा होगा। तो यह तो सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हैं, x-7 का होल स्क्वायर है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी जो होता है कॉन्स्टेंट, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसका जो मल्टीप्लाई आएगा 49 आएगा। अब जो बीच वाला पद है इसको हम लोग इस प्रकार से तोड़ते हैं कि दोनों पदों का जो गुणा आए वह AC के बराबर आए, योग जो आए वह B के बराबर आए। तो इसे आप लिख सकते हैं x² - 7x - 7x + 49। अब x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x-7 और यहाँ पे -7 कॉमन लेंगे तो x-7 बचेगा। x-7 दोनों जगह कॉमन है, कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, x और -7। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिल जाएगी x की वह दोनों 7 मिलेगी। यहाँ पे हल करने को बोला है तो वैल्यू 7 आएगी, लेकिन अगर वैल्यू निकालना था तो यहाँ पे बराबर 0 भी देना था। ठीक है, बराबर 0 भी देना था। अगर इन्होंने हल करना लिखा है, गुणनखंड करना इनको लिखना चाहिए था। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 है 15.625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब दशमलव संख्या का किस प्रकार से घनमूल निकालते हैं यह मैंने आपको बताया है। पहले दशमलव हम पूरा हटा लेते हैं, तो देखिए घनमूल हमको किसका ज्ञात करना है, 15.625 का। इस पे कर्णी की घात 3 लगी हुई है, इसको मैंने आपको, आप चाहे मास्टर क्लास देखेंगे, मेरे नोट्स देखेंगे, तो एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेगा। ठीक है, 625 ऊपर दशमलव हटाना है तो 1000 से हम लोग गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो ऊपर गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा, नीचे 1000 बच जाएगा। अब 15625 यह किसका गुणा होता है, चाहे तो आप इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं, या यह 25 का क्यूब होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे 25 के 3 बार गुणे के रूप में लिख सकते हैं, और नीचे जो 1000 है उसको 10 के 3 बार गुणा करते हैं तो 1000 आता है। तो अब ये कर्णी में कितना हो जाएगा, 25, कर्णी की घात यहाँ 3 आप लोग लगाते चलिएगा, कर्णी की घात 3 है क्योंकि घनमूल हमको निकालना है, तो 25 का क्यूब / 10 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से कर्णी हट जाएगी तो ये हो जाएगा 25/10। तो घनमूल जब हमने निकाल लिया इसका तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। घनमूल कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 15.625 का जो घनमूल हो जाएगा वह 2.5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है 1 - tan² 45 / 1 + tan² 45। तो मान कितना आएगा, अब 1 - tan² 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1, और बटे में कितना है, 1 + tan² 45। tan स्क्वायर 45 कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1, तो ये आ जाएगा 0/2।
वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न का 11 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग संख्याएं दोस्तों मैंने आपको बताया है वे संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग होती है, उन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। अब ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए ऐसी हम इसमें कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, यह हम कैसे निकालते हैं। इस पे एक क्वेश्चन इसी तरीके का मैंने आपको कराया था जिसमें आपको पूछा था कि किसी एक संख्या से भाग दे दें तो पूर्ण वर्ग हो जाए, बट यहाँ पे पूछा है गुणा, ठीक है। तो दोनों सेम ही है, आप देखिए किस प्रकार से हमें हल करना है। उसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है, तो बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 6075 का बस गुणनखंड निकाल लेना है। 6075 का गुणनखंड देखिए, पहले आप ट्राई करिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटिए तो 2 0 2 और फिर 1 यहाँ बचा है तो ये आ जाएगा 5, फिर 3 से काटेंगे तो 18, 3 6 18, फिर लगा 2 7 21 और 5 15, फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 225, फिर 3 से आप काटोगे तो ये हो जाएगा 75, फिर 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 25, 25 आ गया तो ये 3 से अब नहीं कटेगा, अब 5 से हम लोग काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो एक बार में 5, फिर एक बार काटेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक। तो अब ये 675 को आप गुणनखंड अगर इसका लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 इतना लिख सकते हो आप। अब वर्गमूल पूर्ण वर्ग हमको संख्या निकालना है। अब अगर यह संख्या पूर्ण वर्ग होगी, अब 6075 अगर पूर्ण वर्ग है तो यहाँ पे पेयर पूरा बन जाएगा। देखिए 3 का एक पेयर, वर्ग में हम लोग क्या करते हैं 2 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे पूर्ण घन संख्या बोलता है तो 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो सबका जोड़ा बन रहा है, बस इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर यही 3 और हमें गुणे के रूप में मिल जाए तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 3 संख्या का अगर हम लोग यहाँ पे गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो छोटी से छोटी संख्या क्या मिल जाएगी हमें, 3, ठीक है। अब अगर यहीं पे हमें 2 3 का और गुणा कर दें, 2 3 का और गुणा कर दें, मतलब 3 3 का गुणा कर दें यहाँ पे, तो भी वह भी जो संख्या मिलेगी वह भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, लेकिन हमें चाहिए छोटी से छोटी, तो केवल 3 का गुणा हम कर दें तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्नों को आप देखिए, लघुत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब यह देखिए प्रोबेबिलिटी का एक्सपेरिमेंट है, जब हम 2 पासे फेंकते हैं तो मैंने आपको बताया कि 36 घटनाएं हो सकती हैं, 36 घटनाएं हो सकती हैं जब 2 पासे आप फेंकते हो तो टोटल 36 घटनाएं यहाँ पे हो सकती हैं। देखिए जब 2 पासों को फेंका जाता है तो उसका सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि कितना आता है, यह नोट्स में मैंने कराया है, आप देख सकते हो। तो ये 36 घटनाएं होंगी, पहले पासे पे 1 आएगा और बाकी पे क्या आ सकता है, बाकी दूसरे पासे पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। इसी प्रकार से पहले पासे पे 2 आते हुए दूसरे पासे पे 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, और इसी प्रकार से 3 आते हुए दूसरे पासे पे 1 से लेकर के 6 तक आ सकता है। इसी प्रकार से ये 36 घटनाएं तो आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों। अब यहाँ पे जो प्रश्न में आपसे पूछा है कि दोनों पासों पे सम संख्या आनी चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए दोनों पासों पे, तो देखिए पहले यहाँ तो जितने 6 केसेस हैं इनमें पहले पासे पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है जो कि ऑड नंबर है, तो इन 6 केसेस में से एक भी केसेस ऐसा नहीं होगा जो हमारे फेवर में है, जो प्रश्न में कहा गया है कि हमें दोनों पासों पे सम संख्या चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए जब पहले पासे पे 2 आ रहा है तब यहाँ पे हमें दोनों पासों पे सम संख्याएं मिल सकती हैं, पहले पे 2 आ रहा है और दूसरे पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे दोनों पे सम संख्याएं नहीं आ रही हैं। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे जब 2,2 आएगा, 2,4 आएगा, 2,6 आएगा और फिर 3 वाले पूरे इसमें आपको कोई भी, फिर 3 वाला पूरा विषम संख्याओं में चला जाएगा, और देखिए चौथा जिसपे 4 आ रहा है तो 4,2, 4,4 और 4,6, तो
तीन केस यहां मिल जाएंगे आपको, और पांच वाला भी स्किप हो जाएगा क्योंकि ऑड नंबर आ रहा है, पांच ऑड नंबर है। इसी प्रकार से 6,2, 6,4 और 6,6, ये 3, 3, 6 और 3, 9, ये जो 9 केस हैं यही आपको मिलेंगे जब सम संख्याएं आएंगी। यही समुच्चय आपको यही सेट लिख देना था। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि घटना का समुच्चय, मतलब वो घटनाएं आप लिख दीजिए जब पासों पे, दोनों पासों पे सम संख्याएं आ रही हैं। तो यही जो 9 संख्याएं यहाँ पे जो 9, तो यहाँ पे जो ये 9 घटनाएं आपको दिख रही हैं, यही बस 9 को आप लिख देना था, आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यह सब देखिए कितने कराए हुए प्रश्न है। अब यह सब प्रश्न देखिए, सभी प्रश्न डिस्कस किए हुए प्रश्न है। बहुत ही खुशी हो रही है कि जितना मैंने बताया था सभी क्वेश्चंस डिट्टो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको पता है बारंबारता बंटन पे हमने कितने सारे क्वेश्चंस किए थे। तो अब देखिए यहाँ पे जब हमें निकालना होता है बारंबारता बंटन, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में हम लोग लिखते हैं पद, और दूसरे में पदों की बारंबारता को लिखते हैं, और तीसरे कॉलम में हम लोग लिखते हैं संचयी बारंबारता को, संचयी बारंबारता को लिखते हैं। तो पहले देख लीजिए पद कितने दिए गए हैं आपको, 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 8 दिया गया है, 10 दिया गया है, 12 दिया गया है और 14 दिया गया है। ठीक, ये पद आपको दिए गए हैं, और 2 की बारंबारता कितनी है, 3 है, फिर बारंबारता 2 है, फिर बारंबारता 2 है, फिर बारंबारता 4 है, फिर बारंबारता 3 है, फिर बारंबारता 1 है, फिर बारंबारता 2 है। ठीक, अब इसके बाद संचयी बारंबारता कैसे लिख लेते हैं हम लोग, जितनी भी पिछली बारंबारताएं आती हैं उनको जोड़ते हुए। तो पहले में बारंबारता 3 आए तो 3 लिख लेंगे, फिर अब जब इसकी संचयी बारंबारता लिखेंगे तो पिछली बारंबारता 3 थी और 2 जुड़ जाएगा यानी कि 5, फिर इसका हम जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 धन 2 7, फिर इसका जब लिखेंगे तो 7 धन 4 11 आ जाएगा, फिर 11 पद यहां तक आ चुके हैं, फिर 3 धन हो जाएगा 14, फिर 15 और 17। ठीक, 17 पद। अब कुल पदों का अगर आप योग भी लिखना चाहोगे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप योग भी लिखते हो, कुल पदों का योग कितने पद हैं, तो कुल 17 पद आएंगे। ठीक है, बारंबारता क्या देता है, बारंबारता का योग या फिर संचयी बारंबारता में जो लास्ट आता है वह क्या आता है, पद, कुल पद आता है, यानी कि n की वैल्यू 17 हो गई। अब जब पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका आपको पता होता है कितना होता है, n धन 1/2 पद। ठीक, तो n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू है 17, तो 17 धन 1 18 हो जाएगा, 18/2 यानी कि 9वां पद। अब यही 9वां पद आ गया है, यह आपका आंसर नहीं है, आपको मैंने बार बार बताया था कि 9वां पद आया है उत्तर। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखते हैं कि 3 पद आ चुके हैं, यहाँ पे 5 पद, यहाँ पे 7 पद आ चुके हैं यहाँ तक। ठीक, अब इसके बाद जो 8वां पद, 9वां पद, 10वां पद और 11वां पद आए हैं वो इस वर्ग में आए हैं। ठीक है, तो जो 9वां पद हमारा उत्तर है वह इसी वर्ग में आया हुआ है। ठीक है, ये 8, जिस पद में 8 है, जो पद 8 है इसी वर्ग में आया हुआ है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से माध्यिका कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ माध्यिका हमें 8 मिल गई। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर 4/3 है तो sin²A + cos²A का मान ज्ञात कीजिए। अब यह तो मैंने आपको सर्वसमिका पढ़ाया ही था दोस्तों, sin²A + cos²A का मान हमेशा 1 होता है, थीटा एंगल की कोई भी वैल्यू हो, ए की कोई भी वैल्यू हो, हमेशा जो sin²θ + cos²θ यह होता है, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे sin²A + cos²A का भी मान क्या होगा, 1 होगा, यह आप जानते हो। अब इसे आपको हल करके दिखाना था, तो इसे दोस्तों आप हल करके भी दिखा सकते हो, sin²A + cos²A का मान आप कैसे निकालोगे। मैंने आपको त्रिकोणमिति में बताया था कि समकोण त्रिभुज में tan A या tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे आप एक समकोण त्रिभुज दोस्तों बना लीजिए, इसमें समकोण त्रिभुज में देखिए यह जो कोण A है, यह कोण A है अगर, तो ये सामने वाली भुजा लंब हो गया यानी कि इसका मान 4 हो गया,
और आधार का मान 3 हो गया, क्योंकि टैन ए की जो वैल्यू है वह 4/3 आपको प्रश्न में दिया है। टैन ए की वैल्यू हमें प्रश्न में कितना दिया गया है, 4/3 दिया गया है। तो यहां से दोस्तों आप समझ गए कि लंब की वैल्यू 4 और आधार की वैल्यू 3, तो पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लगाओगे तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कर्ण का जो वैल्यू आ जाएगा वह रूट में आ जाएगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कि 16/9 और रूट में 25, यानी कि कर्ण कितना आ जाएगा 5, और इसी 5 आ गया कर्ण। तो अब साइन ए की वैल्यू आप निकाल लीजिए, साइन ए कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। अब कॉस ए की वैल्यू भी यहां से आप निकाल सकते हो, कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, तो 3/5 कॉस ए की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद यही आप वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आई है, 4/5 का वर्ग आया है, फिर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आई है 3/5 का वर्ग, ठीक। तो नीचे आपको 25 मिल जाएगा दोनों में, और ऊपर 16/9 मिल जाएगा, ऊपर भी 25 हो जाएगा, तो 25-25 कट जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा वैल्यू। तो मैंने पहले ही आपको बताया सर्वसमिका है, इसका मान 1 आएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, 550 घन सेमी लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाया जाता है, यदि सरिया का व्यास 1 सेमी हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बेलनाकार सरिया यहाँ पे बनाया जा रहा है इस आयतन से। अब हमने पहले भी दोस्तों ऐसा प्रश्न देखा है जहां पे बस बेलनाकार आयतन को पिघला के शंकु में बनाया जा रहा था, तो यहाँ तो बेलनाकार, यहाँ तो क्या बस दिया, यहाँ तो सिंपल दिया है, उससे सिंपल दिया है, वहां यहाँ पे बस एक हमें आयतन दे दिया गया है, उसे बेलन के आकार में बनाया जा रहा है, एक सरिया के आकार में बनाया जा रहा है जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर का है, और उसकी लंबाई हमको निकालना है, आयतन दिया गया है। तो बहुत ही आसानी से बेलन के सूत्र से, बस बेलन का सूत्र मैंने आपको बार बार बताया है, बेलन का जो आयतन का सूत्र है वह कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, तो वही वैल्यू आप रखते तो आपको यहाँ पे मान मिल जाता। देखिए जो बेलन का आयतन यहाँ पे हमें दिया है, बेलन का आयतन, जो आयतन हमें यहाँ पे दिया गया है वह कितना है, 550, जो आयतन हमको दिया गया है 550 घन सेमी दिया गया है, ठीक है, आयतन घन सेमी में होता है, तो आयतन हमें 550 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। अब बेलन का वॉल्यूम, आयतन कितना होता है, इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पे हमें और क्या दिया गया है, हमें जो सरिया का व्यास है वह कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वैल्यूज आप रख लीजिए, आयतन का वैल्यू हमें 550 पता है, तो 550 बराबर हो जाएगा पाई, यानी कि 22/7, और आर 1/2 का होल स्क्वायर, और इनटू एच हमें निकालना है, ठीक। जो वेरिएबल है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी वैल्यूज को हम दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक। तो अब h बराबर अगर हम लिखना चाहें तो देखिए कितना लिख सकते हैं, 550 और इस बटे में जो 7 है इसका गुणा ऊपर होगा, और बटे में 2 का स्क्वायर भी है, ठीक है, तो 2 × 2 और क्या आ जाएगा, यह जो ऊपर है 22, यह नीचे बटे में आ जाएगा, ठीक। अब इसको आप 2 से 22 को काटेंगे 11 आ जाएगा, और 11 से 55 को काटेंगे, 550 को काटेंगे तो 5 और 0 50 आ जाएगा, ठीक। अब इस प्रकार से आप h बराबर क्या लिख दोगे, 5 × 50 × 7 × 14, या गुणा कर लीजिए आप, 14 × 5 कितना होता है, 14 × 5 = 70 होता है, और 70 और 1 0 रह गया है, तो 0 लिख देंगे, यह कितना आ जाएगा, 700 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हमारी वैल्यू आएगी, क्योंकि वैल्यू हमको घन सेमी में दिया है। तो जो यहाँ पे ऊंचाई, चाहे आप ऊंचाई कह लो, ऊंचाई अगर बेलन खड़ा है तो वह ऊंचाई हो जाती है, और बेलन इस प्रकार से धरातल के समांतर रखा हुआ है तो वह क्या हो जाता है, लंबाई हो जाता है। तो जो सरिया होगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 700 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, एक टोकरी में 1250 फूल हैं, यदि एक व्यक्ति किसी नगर में प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की उस नगर में मंदिर हैं, यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाएं, तो बताइए कि उस नगर में
कुल कितने मंदिर हैं? अब सबसे पहले एक टोकरी में 1250 फूल हैं, ठीक, और कुल 8 टोकरी वह चढ़ा रहा है, ठीक। 1250 फूल हैं एक टोकरी में, 8 टोकरी चढ़ा रहा है। तो अब पहले तो आप निकाल लीजिए कितना फूल वह चढ़ा दिया, कितना फूल वह चढ़ा दिया, 8 शून्य आप लिख लेंगे, 8 5 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, फिर हाशिए लगा 2, फिर 8 9 8 10, यानी कि कुल 10,000 फूल उसने चढ़ा दिए हैं, ठीक। और यहाँ पे दूसरी बात जो कह रहा है, और यहाँ पे जो आपसे पहली बात थी कहा उसने, उसने प्रश्न में कहा कि प्रत्येक मंदिर में वह उतने ही फूल चढ़ा रहा है जितने कि शहर में मंदिर हैं। कुल फूल जितने चढ़ाए हैं वह आपको पता है, यानी कि एक मंदिर में अगर मान लेते हैं एक्स फूल चढ़ा रहा है, तो कुल शहर में मंदिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक्स, और कुल फूल उसने कितने कुल फूल चढ़ाए होंगे। तो कुल फूल चढ़ाए होंगे यह निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक्स का गुणा एक्स में कर सकते हो, यानी कि एक्स स्क्वायर फूल उसने चढ़ाए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, कुल फूल उसने कितने चढ़ाए हैं, 10,000 चढ़ाए हैं। तो 10,000 फूल, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10,000। अब वर्ग मूल ले लेना है 10,000 का, तो कितना आ जाएगा, 100, यानी कि शहर में कुल कितने मंदिर हैं, 100 मंदिर हैं। और यही आपको निकालना था, शहर में उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं, और यह अगर पूछता कि कितने फूल वह एक मंदिर में चढ़ा रहा था, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आती, 100 आती, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों यह भी प्रश्न आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, यह भी प्रश्न मैंने कराया है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, यहाँ पे एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, उसका आयतन 9 पाई घन सेमी है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब लंबवृत्तीय शंकु का क्वेश्चन अभी आपने देखा था, बेलन का क्वेश्चन, बेलन और शंकु दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे से आप सभी को पढ़ाया था, तो उम्मीद है कि सभी प्रश्न देखिए जो सभी प्रश्न हैं वह कराए हुए हैं, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 का हल आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको लंबवृत्तीय शंकु दिया गया है, उसका आयतन 9 पाई दिया गया है, और बोल रहा है कि जो शंकु की ऊंचाई है वह आधार के त्रिज्या के बराबर है, यानी कि h बराबर r है, ठीक। तो यहाँ पे आप पहले तो लिख लीजिए जो h है वह r के बराबर है, और जो आयतन आपको दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, वह कितना दिया गया है, 9 पाई, ठीक। तो आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, बार बार मैंने आपको बताया है, 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा होता है किसके वॉल्यूम के, जो बेलन का वॉल्यूम होता है उसके, यानी कि 1/3 πr² h, ये फॉर्मूला आपको याद रहा होगा। और वॉल्यूम कितना है, 9 पाई है, तो वॉल्यूम की जगह आयतन की जगह 9 पाई रख देना है, 1/3 π, पाई की जगह पाई ही रहने दीजिए अभी, और आर बराबर एच है, तो आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर इंटू एच, ठीक। अब देखिए h की वैल्यू हमें निकालना है, तो h को एक तरफ और बाकी वैल्यूज को एक तरफ हम लोग कर लेंगे। तो अब देखिए 3 इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 9 π / 3 और बराबर कितना हो जाएगा, इधर जो पाई है वह इधर बटे में आ जाएगा, और इधर h स्क्वायर इंटू h यानी h क्यूब हो जाएगा, पाई पाई यहाँ कट जाएगा, और h क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 9 * 3 = 27, या फिर h बराबर कितना आ जाएगा, √27 यानी कि 3। एच की वैल्यू जो हो जाएगी, ऊंचाई कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे घन सेमी में वैल्यू दिया है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो बहुत ही आसानी से आपने निकाल लिया होगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, यह तो गणित का जो मैंने लास्ट क्लास लिया था या फिर मैराथन, दोनों क्लास में ही कराया हुआ यह प्रश्न है। मैंने आपको बार बार बताया था कि अर्धवृत्त में जो बना हुआ कोण है वह क्या होता है, समकोण होता है। तो यह जो कोण सी है यह कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा, और यह जो कोण है कोण डी यह 90 अंश का हो जाएगा, ठीक है। अब कोण ए बी सी, अब यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में अगर आप देखोगे तो दो कोण आपको पता है, 30 अंश 90 अंश, तो बाकी बचा कोण जो कोण सी बी ए है या ए बी सी जिसे आप बोले, कोण यहाँ पे ए बी सी कितना हो जाएगा, यह 60 अंश का आ जाएगा। और यहाँ पे अगर दूसरे नीचे वाले त्रिभुज में अगर आप देखो, त्रिभुज ए बी डी में, तो दो कोण आपको पता है, 90 अंश और 40 अंश, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 50 अंश का, ठीक। तो इस प्रकार से आप
यहाँ पे क्या वैल्यू निकालना है, कोण CAD, CAD का वैल्यू आपको निकालना है, कोण CAD मतलब यह पूरे कोण का वैल्यू आपको निकालना है, CAD इस पूरे कोण का वैल्यू निकालना है, तो ऊपर 30 अंश है नीचे 50 अंश, तो पूरा क्या हो जाएगा कोण CAD, कोण CAD 80 अंश आ जाएगा, कोण CAD 80 अंश। और आपसे क्या पूछा है कोण CBD, कोण CBD, कोण CBD, कोण CBD क्या है, कोण CBD ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे यह कितना आ जाएगा, ऊपर 60 अंश है नीचे 40 अंश है, यह ऊपर नीचे कोणों को आप जोड़ लीजिए बी पे, जो बी पॉइंट पे दोनों कोण बन रहे हैं ऊपर नीचे वाले त्रिभुज में, तो कितना आ जाएगा 60 धन 40 यानी कि 100 अंश। तो बिल्कुल दोस्तों आप देख सकते हो जितना मैंने पढ़ाया था सारी चीजें इस पेपर में आपको मिल गई हैं देखने को। तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल आप देख पा रहे हो जितना मैंने आपको क्लासेस में मैराथन में क्लास में पढ़ाया था। तो जो लोग केवल मैराथन क्लास पढ़ के गए होंगे और जो मैंने राजन सीरीज कराया था, तिलोक उत्तरी प्रश्न कराया था और जो मैंने सुपर फास्ट रिवीजन कराया था, इतना ही जो लोग करके गए होंगे वह पूरा पेपर 25 में 25 करके आए होंगे और बहुत ही आसान पेपर आपका आया, बहुत ही अच्छा पेपर आया है। अब दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा सभी लोग अपने प्रश्न को, ताकि मिला पाए जो वह करके आए हैं उसको मिला पाए। और दोस्तों आपका यूपी टेट भी करीब है तो यूपी टेट की भी तैयारी हम लोग जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, सभी कॉलेज ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएं। और दोस्तों आप हमारे ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट को भी डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पे भी जाकर के हमारे ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे अन्य सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।